समिट में हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 45वां G7 शिखर सम्मेलन 24 से 26 अगस्त तक फ्रांस में होगा आयोजित। अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता मिलना होगा अब मुश्किल, बड़ी संख्या में हो सकते हैं भारतीय प्रभावित। IRCTC ने सेबी के पास IPO के लिए जमा किए दस्तावेज, बाजार सूत्रों के मुताबिक यह IPO 500 से 600 करोड़ रुपए का होगा। ट्रिपल तलाक कानून को जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, यह संगठन भारतीय इस्लामी विद्वानों का एक संगठन है। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेता तुषार वेलापल्ली UAE में गिरफ्तार। केरल सरकार की नई पहल, अब सरकारी विभागों और PSU में महिलाएं चलाएंगी वाहन, यह फैसला समाज में लिंग लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। 46 वर्षीय दलित व्यक्ति की शव यात्रा को स्थानीय उच्च जाति समुदाय ने रास्ता नहीं दिया तो 20 फीट ऊंचे पुल का इस्तेमाल करना पड़ा।